वेलकम बैक टू द ब्लॉग चैनल इंदौरी ब्लॉग्स। बहुत पता हूँ सारे भाई लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा मजा में होंगे तुम्हारे भाई की तरह। तो भाई लोग जैसा कि आप लोग को सबको पता है, घूमते फिरते अपन लोग मतलब खाते पीते रहते हैं, ठीक है। क्यों अभिषेक भाई छटोरे हैं ना, छटोरे हैं भाई, छटोरे हैं हम, पक्के छटोरी हैं। तो मतलब आज इसी मतलब खाने की स्ट्रीट की लाइन में जो धीरे धीरे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में एक और नई चौपाटी मशहूर हो रही है इंदौर के अंदर, तो आज आप लोगों को मैं उसी चौपाटी पे लेके आ गया हूँ। इस चौपाटी का नाम है गोपुर की चौपाटी, ठीक है। अभिषेक भाई कुछ बताना चाहोगे इस चौपाटी के बारे में? गोपुर की चौपाटी दिन पर दिन उभरती रही थी, यहाँ पर नए नए अने जो क्राफ्ट वगैरह जो नए नए आइटम आपको खाने को मिलेंगे, एक बार यहाँ पे भी आके आपको फूड एक्सप्लोर करना बनता है, ठीक है। तो गाइस हम लोग आज आ गए हैं गुजरात की फेमस, ठीक है, गुजरात की फेमस जिसके पास जो कि अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की थी और यहाँ तक कि मैंने भी बहुत रेयर केस में ही खाई है। तो आज मैं उसका प्रॉपर मतलब टेस्ट करके प्रॉपर आपको रिव्यू देने वाला हूँ। आज हम लोग आए हैं ओम की दाबेली पर, ठीक है। दाबेली है, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सब लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ आज, ठीक है। आप सभी लोग इन्जॉय करना, सारी भैया की मेकिंग वगैरह देखना और मैं आपको प्रॉपर तरीके से एड्रेस वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग देखना और मस्त इन्जॉय करना। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं इस साइड मेरे है गोपुर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो पूरी स्ट्रीट की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी स्ट्रीट लगी हुई है जो नई मतलब पूरी ओपन हुई है गोपुर की चौपाटी, ठीक है। आप लोग सब देख सकते हैं। और अगर आप उस साइड से आएंगे तो आपको चाणक्य के पूरी स्क्वायर मिलेगा। आप उस साइड से सीधे आएंगे तो आपको ये पूरी स्ट्रीट देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लग रही है। आप लोग सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्रकार के वैरायटीज़ के फूड मिलते हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं ओम की दाबेली पर जो पॉपुलर गुजराती है, ठीक है। पॉपुलर गुजराती इससे है कि अपन यहाँ पर आ गए हैं, भैया से मस्त इनकी जो स्पेशलिटी चीज़ें वो सारी पूछ लेते हैं और भैया से जाकर जान लेते हैं कि उनके पास में क्या क्या वैरायटी और क्या क्या प्राइसिंग है, ठीक है। ये भैया का कार्ट है, ठीक है। मस्त पूरे स्ट्रीट पे भैया का कार्ट लगा हुआ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा भैया ने साफ़ सफाई का ध्यान रख रखा है। ये भैया के सारे मसाले वगैरह भैया भी कुछ चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। भैया क्या चीज़ बना रहे हो आप? बटर दाबेली है। बटर दाबेली बना रहे हैं भैया, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये भैया का कार्ट देख सकते हो। हाँ, ये लहसुन की चटनी, लहसुन वगैरह की चटनी लगा दी आपने, इमली की चटनी लगा रहे हैं, इमली खजूर की चटनी, ये हमारे लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप? ये किस चीज़ का मसाला होता है? ये आलू, गाजर, चुकंदर, पनीर, खड़े मसाले। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों से मिक्सचर रहता है, सबका मिक्सचर रहता है ना ये, क्या बात है। इसको भैया आप फ्राई वगैरह भी करते हो? हाँ, ये बटर में फ्राई होगा, पूरा बटर में फ्राई होता है ना। कौन सा बटर यूज़ करते हो आप? अमूल बटर यूज़ करते, पूरा अमूल बटर यूज़ करते हो, क्या बात है भैया, एक नंबर। मैंने यहाँ पर मस्त अपने तवे पर डाल दिए अमूल बटर में, भैया इसको फ्राई कर रहे हैं, क्या कितनी देर में फ्राई होती है भैया? तीन चार मिनट में फ्राई होती है। तीन चार मिनट मतलब अच्छे से पकाना पड़ता है इसको, ब्रेड वगैरह हो जाती है। हाँ भैया, ये तो अपनी हो गई बटर वाली सारी, ठीक है। जो आप बना रहे हो ये बटर वाली बना दी, अपने पास में और किस क्या स्पेशलिटी क्या बनाते हैं अपन? अपने पास चीज़ वाली है, बच्चों को चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट दाबेली अवेलेबल है। अच्छा, चॉकलेट दाबेली भी? हाँ, चॉकलेट भी अवेलेबल है। बच्चे आते हैं जी, चरखा खा नहीं पाते, ये आपने हमारे लिए बना तो दिया बटर वाली। हाँ, अब इसके अलावा आप हमारे लिए क्या बनाओगे? आप स्पेशल ट्राई करिए, पनीर पसंद है, पनीर ट्राई करिए, ठीक है। आप काम कीजिए, ये लगा दीजिए और आप हमारे लिए स्पेशल पनीर वाली भी लगा देना, तो आपके यहाँ की स्पेशल है, ठीक। ये इमली खजूर वाली चटनी, ठीक है। ये लहसुन की चटनी, तीखी वाली। अच्छा, ये तीखी चटनी है। हाँ, ये इंदौर की जान, ये इंदौर की जान, सेव सेव, ये चीज़ें, ये दाने पीनट्स, पीनट्स हैं, ये अनार के दाने, पूरे धनिया, ये कंप्लीट, क्या बात है।
भैया अपन अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस वगैरह क्या रहता है? इसका प्राइस 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ है। और जो आप अपनी स्पेशल वाली बनाओगे उसका? उसका 60 रुपीज़ है। ठीक है भैया, अपन उसकी मेकिंग वगैरह भी सब देख लेते हैं, तब तक अपन इसको ट्राई वगैरह करते हैं। ठीक है, ओके अभिषेक भाई। ओके, हमें वानी आ रहा है ना भैया? ठीक है भैया, दाबेली वगैरह मस्त टेस्ट कर रहे थे तो हमको एक भैया मिले, तो हम भैया से पूछते हैं। भैया आप क्या नाम है आपका? पंकज देवड़ा नाम है। पंकज देवड़ा जी, तो भैया आपने फर्स्ट टाइम ट्राई करा ना ये? मैं अभी पहले जस्ट निकल रहा था तो सर बहुत सारी दुकानें देखी, बट तो आपको मतलब क्या यूनिक दिखा कि मैं क्या ट्राई करूँ इसमें? वो दाबेली नाम सुना मैंने। अच्छा, तो थोड़ा यूनिक सा टाइप का दिखा ना, शायद दाबेली क्या हुआ। हाँ, तो ट्राई करके देखा तो कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा है। आपने भी दाबेली ट्राई करा? बट हाँ, बट अच्छा है। अच्छा लगा ना? ठीक है। सबसे बढ़िया इनका जो ब्रेड है वो बहुत इतना सॉफ्ट है, आप खाओगे आपको बहुत मजा आए। ठीक है भाई, थैंक यू। सबको टेस्ट करना। ठीक है भाई, थैंक यू। गाइस, अपनी रिव्यू की लिस्ट में एक दीदी और जुड़ चुकी है हमारे साथ में। हेलो, क्या नाम है आपका? विधि शर्मा। तो विधि जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब आप यहाँ पे कितना टाइम से आ रहे हैं? हमें 1 ईयर हो गया यहाँ पर आते आते। 1 ईयर हो चुका है। हाँ, तो मतलब आप यहाँ पे मोस्ट चीज क्या खाती है यहाँ पर आते? यहाँ पर हमने चीज़ दाबेली ज़्यादा प्रीफर करी है, एंड सबसे बेस्ट हमें यहाँ की ओम स्पेशल दाबेली लगी है जो फुली स्टफ्ड आती है, एंड बहुत अच्छा टेस्ट है। और मैं ज़रूर सबको बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग यहाँ पे विजिट करें। थैंक यू। दाबेली आ गई है जी भैया, टेस्ट करो और अपने जो ऑडियंस को रिव्यू दो। जी भैया, ले लेते हैं मस्त अपन। ये अपनी दाबेली ले लिए बनने भैया से, अपन इसको टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। भैया ने आलू वगैरह का मसाला वगैरह तो सारी मिक्स चीज़ें रहती है, मसाले मिक्स है इसमें, गाजर वगैरह सब भैया ने ऐड कर रखा है, आलू वगैरह सब चीज़ ऐड कर रखी है इसमें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस चीज़ का ब्लास्ट मेरे मुंह में जाके कैसा होने वाला है, क्योंकि भैया ने इसमें और मेन चीज़ ये है कि भैया ने इसमें अमूल बटर से इसको जो फ्राई कराना तो उसका टेस्ट भी काफ़ी बेहतर आने वाला है। खुशबू तो मेरे को बहुत अच्छी आ रही है, तो टेस्ट करके देख लेता हूँ कि इसका कैसा क्या मामला। और जहाँ अपने को भाई सेव मिल गई, जहाँ अपने को सेव मिल गई मतलब अपन वहाँ उस चीज़ के दीवाने हो गए। इसका वाइट लेता हूँ। वाह यार, एक मिनट अभिषेक भाई, वापस रिव्यू दूंगा मैं ना। आज अभिषेक भाई, आज आप मुझसे रेटिंग मत पूछो, आज मैं खुद अब सामने से बोल रहा हूँ कि मैं रेटिंग देता हूँ। आज भाई मैं इसकी प्रेजेंटेशन की रेटिंग दूंगा 5 में से 5, क्योंकि तो भैया ने इसको बहुत अच्छा डेकोरेट करके हमको प्रेजेंट करा है। ठीक है, और साथ में जैसे ही मैंने इसका बाइट लिया ना, अंदर सारे मसाले थे, उसका इतना तगड़ा वाला ब्लास्ट हुआ है मेरे मुँह के अंदर जाकर, जो उसका सारा आलू वगैरह का मिक्सचर वगैरह था भैया ने मतलब बहुत अच्छा डाल के पूरा भर के उसको बनाया था। साथ में इसको अमूल बटर के साथ में भैया ने फ्राई करा है, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। और भैया की जो ब्रेड है वो काफ़ी सॉफ्ट है, खाने में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि भाई ताजी पुरानी है, बहुत सॉफ्ट ब्रेड है, बहुत अच्छे से सेका है। और जो भैया की इसमें भैया ने जो स्पाइसी वाली चटनी डाली ना, लहसुन वाली, तो मतलब पहले मैंने बाइट लिया तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा स्वीट डिश है, फिर सेकंड टाइम में जब मैंने वापस उसको अंदर करा ना, तो लहसुन की चटनी थी उसका बहुत परफेक्ट टेस्ट आया। तो भाई औसम चीज़ है, एक बार ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। और अपन इसको ट्राई करने के बाद में जो भैया की स्पेशल चीज़ है अपन वो भी ट्राई करेंगे, तो भैया के यहाँ पर स्पेशल बनती है। ठीक है, तो भाई भैया की एक चीज़ वाली भी बन रही है, तो इसकी भी मेकिंग वगैरह आप सब लोग देख लो, फिर भैया के अपन स्पेशल वाली ट्राई करेंगे। ऊपर चले गया मसाला, अच्छा चीज़ तो ऊपर चीज़ जाने वाला भर भर के। इंदौर की जान, इसके बिना सारे खाने ही अधूरे हैं यार। ये मस्त पीनट, फिर मसाला ऐड होगा इसके ऊपर। मस्त, कौन सी बना रहे हो भैया? ये होम स्पेशल। होम स्पेशल, ठीक है।
पनीर है सबसे, पनीर मैरिनेट करेंगे सर। अच्छा पनीर को मैरिनेट करते हैं, चटनी डलेगी इसमें। क्या बात है, ठीक है। ये तो मेरी फेवरेट चटनी बन गई भैया आपके यहाँ की। ये मसाला अपना स्पेशल घर का मसाला बना हुआ है, घर का मसाला बना हुआ है। चटनी वगैरह भी आप सब घर पे बनाते हैं? ये स्पेशल आए हुए हैं, इसमें मसाले डले हुए हैं। अच्छा इसमें मसाले मिक्स है ना, चीज़ मिक्स है, मसाले मिक्स है, ये भी घर पे प्रिपेयर करते हैं अपन। क्या बात है। ये भैया सारा पनीर वगैरह को मैरिनेट कर रहे हैं। हो चुका है मस्त पनीर मैरिनेट। थोड़ी मिर्ची चटनी की टचिंग, हाँ चरखी वाली, वाली चटनी लहसुन की। क्या बात है। अपना मसाला डाबली का, इसमें मसाला वही वाली प्रोसेस अपनी वापस जा रही है। इसमें सारी मैरिनेट करे हुए स्टफिंग कर रहे हैं भैया पनीर की। क्या बात है। ये पनीर वगैरह फ्राई वगैरह करते हैं क्या पहले? फ्राई होता है, उसको मैरिनेट करते हैं। अच्छा पहले पनीर फ्राई हो जाता है भैया का, उसके बाद में मैरिनेट करते हैं। ये भी बटर में सेकोगे ना भैया? ये भी अमूल ये देखो, ये भैया का मस्त कितना शानदार दिख रहा है अमूल बटर। और ये सारी दावेली भैया अमूल बटर में ही बनाते हैं, भले वो कम प्राइस वाली हो या ज़्यादा प्राइस वाली हो। हेलो भाई, अपने सारी मस्त दावेली वगैरह सीख चुकी है पनीर की, भैया के यहाँ की जो स्पेशल चीज़ है वो सीख चुकी है प्रॉपर तरीके से। भैया मेरे को आपकी नॉर्मल वाली इतनी अच्छी लगी तो ये पता नहीं कितनी अच्छी लगेगी मेरे को। क्यों अभिषेक भाई? बिल्कुल भाई, वही उसमें इतना प्यारा टेस्ट था आपने को, ऊपर से आ रहा इसमें चीज। क्या बात है, जिसकी सारे जनता अपने से लोग तो दीवाने ही चीज़ क्यों बिल्कुल। ऐसा अपन को हर चीज़ में सेवन चाहिए ना, अब ऐसा हर चीज़ में चीज़ चाहिए। अच्छा आप पनीर भी ग्रेट कर रहे हो ना इसके ऊपर से? क्या बात है, ऊपर से भैया पनीर भी डाल रहे हैं इसमें। ये क्या चीज़ है भैया? ये अपनी स्पेशल मायो। अच्छा मेयोनीज, ये भी आप ही बनाते हैं? हाँ ये भी आप ही बनाते हैं। क्या बात, ये मेयोनीज, ये नॉर्मल मायो, नॉर्मल मेयोनीज। क्या बात, पीनट अनार के दाने, तो ऊपर से आएगा हल्का सा मसाला। भैया की स्पेशल दावेली तो भाई, हाँ इसका रिव्यू बनता है तो भाई लोग, ये अपन ने भैया से मस्त ले लिए जो इनकी यहाँ की स्पेशल, जो भैया के यहाँ की स्पेशल दावेली है अपन ने वो चीज़ ले ली। अपन इसको, अपन ने जो बटर वाली थी वो भी ट्राई कर ली थी, वो भी मेरे को बहुत तगड़ा वाला टेस्ट लगा उसका। तो अब मैं इसकी चीज़ जो भैया की स्पेशल वाली जिसमें चीज़ वगैरह सब ऊपर से भर भर के गया हुआ है, तो मुँह में और पानी आ रहा है मेरा, तो आप इसको भी चेक कर लेते अपन कि अपने को कैसी का लग रही है। ठीक है अभिषेक भाई, हाँ हाँ क्या बात, आ जाओ दिखा दो भाई। भाई लोग बहुत बहुत सुपर टेस्टी जो अपन ने पहले वाली बटर वाली दाबेली खाई था
उसमें इसके इस वाली में भैया ने पनीर वगैरह ऐड कर दिया, तो जो भैया की जो स्पेशल चटनी में जो पनीर पूरा मेरीनेट हुआ है उसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा, जो लहसुन वगैरह की चटनी डाली भैया ने तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और ऊपर से भैया ने चीज़ वगैरह ऐड कर दिया तो बहुत तगड़ा ही फ्लेवर आ रहा है। मैं रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि भैया के यहाँ पे एक बार आओ, विज़िट करो, ठीक है, मस्त। प्राइस वगैरह में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्राइस भी बहुत सही साठ है, ठीक है, एक बार आना और विज़िट करना। अपन ने भैया के मस्त ताबेली वगैरह टेस्ट कर लिए, ठीक है, और मैं तो इसकी रेटिंग के मामले में मतलब कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, मतलब रेटिंग तो अपनी आउट ऑफ ही है, ठीक है। अभिषेक भाई आपको कैसी लगी? मेरे को एक नंबर लगी, मैंने इससे पहले भी ताबेली टेस्ट करी है, उससे कहीं लाख गुना मुझे अच्छी लगी। अगर मैं अपने सब इसकी जो रेटिंग है 10 में से मैं 10 दूंगा उसको, ठीक है। और अपने कोई सब्सक्राइबर भाई थे, क्या नाम था उनका? शिवन्य रघुवंशी जी है, उन्होंने हमको रिकमेंडेशन दिया था कि भैया आप एक बार गोपुर की चौपाटी पर जाके ताबेली टेस्ट करना, तो भैया हम लोग यहाँ पे आ चुके थे भैया, ठीक है। आप ऐसे, और मैं बहुत सारे लोगों से बोलना चाहूँगा, जितने भी अपने व्यूअर्स हैं वगैरह सबसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग रिकमेंडेड करो हमको कि हमको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। आप बकायदा आप अगर आ सको तो आप हमारे बकायदा ब्लॉग में भी आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप हमको जगह वगैरह सजेस्ट करना तो हम आपका बकायदा आपको शॉर्ट आउट देंगे हमारी वीडियो में, ठीक है। शिवन्य भाई थैंक यू सो मच, आपने हमको जगह सजेस्ट करी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभिषेक भाई का भी चैनल है, लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में इनका जाके आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप इनका चैनल भी चेक कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।